कॉल करी। क्या मामला था सर, घटना कहाँ पे हुई थी और क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सोनू फरीदी जी, समाजवादी पार्टी युवा नेता। यह मामला दुर्घटना का है, कार एक्सीडेंट का है। क्योंकि हमारे बरावा ग्राम सभा से काफ़ी भारी संख्या में एक शादी समारोह में लोग शिरकत करने के लिए बरावा से लखनऊ गए हुए थे। 11 तारीख को शादी थी, दो दिन शादी में एंजॉय किए, 14 तारीख को रिटर्न आ रहे थे। रायबरेली के बगल का एक ग्राम सभा है सलोन, तो वहाँ पे एक ट्रक अनियंत्रित होके इनकी कार को टक्कर मारी। उसी में मौके पे हमारे बड़े भाई समान मोहम्मद तारिक फरीदी जी एक्सपायर हो गए और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, उनकी बड़ी भाभी गंभीर रूप से घायल हो गई, उनका छोटा वाला बेटा मोहम्मद अयूब वो लखनऊ पहुँचते पहुँचते वो भी एक्सपायर हो गए, और रहे उसमें 3 बच्चे और थे जिनको हल्का फुल्का चोट लगा, वो लोग घर पे आ गए। अच्छा, इसमें 2 लोगों की मौत हुई है जी, बाप और बेटे की। बाप और बेटे की, मोहम्मद तारिक फरीदी, मोहम्मद अयूब फरीदी। तो प्रशासन से कुछ आपका क्या मदद हुई? कुछ प्रशासन ने वहाँ पे भाई मौके पे बड़ी मदद की, वहाँ से सारी चीज़ें हुई है, फयाल लॉन्च किया, पंचनामा करके, जो कि PM रिपोर्ट जो होती है वो होने में समय लगता है, वहाँ के खास करके जिला अधिकारी साहब ने बड़ी मदद की, जिसके द्वारा रातों रात पोस्टमार्टम हुआ और फिर भोर में मिट्टी आ गई और कल मिट्टी देव के मुख। अच्छा, गाड़ी कैसे अनियंत्रित हो गई? गाड़ी एक बाइक वाले को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित हो गई, उधर से ट्रक आ रही थी और इधर से ये जा रहे थे, उसमें भिड़ गए। तो जगह पे ही मौत हो गई? हाँ, मोहम्मद तारिक फरीदी की जगह पे ही मौत हो गई, ऑन स्पॉट। अच्छा, यहाँ के जो लोकप्रिय विधायक हैं आई हुई थी जी? हमारी माननीय बड़ी बहन डॉक्टर रागिनी सोनकर जी आई और दुख की घड़ी में शामिल हुई और सभी का ढांढस बंधाया, और अपनी तरफ से उन्होंने यह आश्वासन भी दिया कि भविष्य में अगर कोई मेरे लायक मदद की आवश्यकता होगी मैं आधी रात को खड़ी हूँ।